मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास ट्वेल्थ के इस टॉपिक को बहुत ध्यान से ही पढ़ना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। इससे बोर्ड में ज़रूर कुछ न कुछ पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत विभव, वी से लिखते हैं, इसका फार्मूला डब्ल्यू अपान क्यू नाट होता है। डब्ल्यू यहाँ पर वर्क है, कार्य है, क्यू नाट परीक्षण आवेश है, वी विभव है। किसी भी डिफिनीशन को कहने के लिए हमको अगर फार्मूले का ज्ञान है तो डिफिनीशन बहुत ही आसान हो जाती है। यह क्यू नाट परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक मीन्स एक कूलम, परीक्षण आवेश की मात्रा हो, उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य है उसे हम वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और V बराबर W अपान क्यू नाट इसका फार्मूला होता है। और यहीं से इसका W का जो यूनिट है, मात्रक है, उसको हम जूल कहते हैं, आवेश को हम कूलाम्ब कहते हैं, मात्रक कूलाम्ब लिखा जाता है, कूलाम्ब पढ़ा जाता है। V बराबर जूल प्रति कूलाम्ब, इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसकी वीमा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य की वीमा एम एल टू टी माइनस टू, आवेश क्यू बराबर आई टी आप जानते हो, एम्पियर सेकंड कहें चाहे कूलाम कहें, और जब आप जानते हो कूलाम कहें या एम्पियर सेकंड कहें तो इसकी वीमा ए और टी, आई को ए से, समय को टी से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ए टी ऐसे लिख देंगे आवेश की जगह पर। और इसको ऊपर लिखेंगे जब ले जा करके तो यम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और ये इसकी वीमा निकलती है। ये इसका एक बहुत फेमस मात्रक वोल्ट है, इसको हम जूल प्रति कूलाम्ब भी कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम अदिश राशि भी कहते हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहें चाहे अदिश राशि कहें। तो वैद्युत विभव के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किसी बिंदु तक जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और V बराबर जूल प्रति कूलाम्ब इसका यूनिट होता है, इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसकी वीमा निकालने के लिए जूल कार्य का मात्रक होता है, अदिश राशि है, इसकी वीमा लिख देंगे, आवेश क्यू बराबर आई टी होता है, इसकी ए और टी वीमा निकल आएगी, ये यहाँ रख देंगे। इसको जब हम साल्व करेंगे तो यम एल टू टी माइनस वन, एक ऊपर जाएगा माइनस का थ्री हो जाएगा, ए पावर वन है ये ऊपर जाएगी माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये विभव की वीमा निकल आती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अगला वैद्युत विभव, इसके बाद आता है वैद्युत विभवांतर क्या है। विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू नाट। किसी एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को या एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
मीन्स दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, विभवांतर। इसलिए ए और बी बिंदु, इसके दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर, तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू बटे क्यू नाट। यहाँ पर क्यू नाट परीक्षणावेश है, डब्लू किया गया कार्य है, और वी ए माइनस वी बी दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर है, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक अगर निकालना है तो जूल प्रति कूलाम्ब या वोल्ट इसका भी मात्रक होता है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है या जूल प्रति कूलाम्ब ही होता है, और ये भी अदिश राशि है, और बीमा इसकी वही होती है जो वैद्युत विभव की ऊपर आपने निकाला है, ये भी अदिश राशि है। इस तरह से ये वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अगर कोई पूछ सकता है आपसे कि एक वोल्ट वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर एकांक परीक्षण आवेश को या एक कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर एक जूल है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर एक जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर की वैल्यू एक वोल्ट या एक जूल प्रति कूलाम कहलाएगी। आइए इसके बाद वैद्युत विभव का अच्छी स्थिति में हम डेरिवेशन करते हैं, और इसके लिए लिखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का वैद्युत क्षेत्र में सूत्र V बराबर प्राप्त करना है आपको। इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज में और फिगर। माना एक वैद्युत ध्रुव AB A और B, इसके ये वैद्युत ध्रुव है, इसके A सिरे पर प्लस क्यू, B सिरे पर माइनस क्यू, इसकी लंबाई चाहे यल यल लिख दें अलग अलग, चाहे टू यल पूरी कह दें। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहां पर P मान लीजिए इधर, और ये R दूरी है और ये P है। इस P बिंदु पर वैद्युत विभव अच्छी स्थिति में हमको ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB जिसके दोनों सिरों पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश रखा है, उस वैद्युत ध्रुव की अल्प लंबाई 2L है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वी वन बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल। क्यू बटे आर होता है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में ये वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है। यहां पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R प्लस L। देखिए इस चार्ज से जब लेंगे तो यहां से ये L इस R में ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू।
अतः बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर, यहां लिख देंगे V बराबर V1 प्लस, ये देखिए अदिश राशि है इसलिए यहां पर लिखेंगे माइनस, साथ में लिख देंगे माइनस V2, चाहे ऐसे लिख लें और चाहे ऐसे लिख करके ही हम ये जब वैल्यू डालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर V बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L, और ये प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस R प्लस L। यहाँ पर ये माइनस रखिएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L, ये हो जाएगा। इसमें V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, Q भी कॉमन है, 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। बहुत ही आसान तरीके से इसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाएंगे। और आगे देखिए, यहां लिखेंगे V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका एलसीएम ले लेंगे, अपॉन लिखेंगे और R माइनस L R प्लस L, और ये हो जाएगा R प्लस L। कैसे, इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा माइनस, आपका ये लगा रहेगा, ये डिवाइड करेंगे इससे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, R माइनस L बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R माइनस L। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखिएगा जिससे कि जो साइन है वो बदल जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। R प्लस L माइनस R प्लस L, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस B, A प्लस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसी के फार्मूले से इसको लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, ये कैंसिल हो जाएगा, 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत भी और भी कम होगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आप जानते हो चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, वैद्युत ध्रुवा गुण होता है, इसको P लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये R की तुलना में चूंकि L बहुत कम है तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर लेंगे, जीरो। तो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर माइनस जीरो, ये इस तरह से इसको आगे लिखेंगे। V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये P और ये अपॉन R स्क्वायर, ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला इस तरह से आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला एक इसी का डेरिवेशन अगला है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव का फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं। आइए वैद्युत ध्रुव का, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव का निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है इसको सिद्ध कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ और इसको ज़रूर तैयार करें। माना एक वैद्युत ध्रुव
ए बी जिसकी अल्प लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O है, इसकी L लंबाई ये है, L लंबाई ये है, चाहे लिख दो, और इस पर प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है। इस बिंदु O से R दूरी पर ये कोण थीटा है, ये भी थीटा है, ये बिंदु P है जहाँ परिणामी विभव ज्ञात करना है। ये R, ये L इस पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ए बी ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे, कर्ण का वन निकल आएगा। प्लस सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जहाँ पर अवैधतांक माध्यम का K है, उसके A सिरे पर प्लस Q आवेश है, B सिरे पर माइनस Q आवेश है, उसकी अल्प लंबाई वैद्युत ध्रुव की 2L है, उसके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परिणामी विद्युत विभव निरक्षी स्थिति में हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R होता है, तो Q बटे AP लिख सकते हैं, और V1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे AP की वैल्यू यही होगी जो इधर निकली है, चाहे ये त्रिभुज ले लें चाहे ये ले लें, यहाँ से दोनों वैल्यू होंगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट लगा देंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण कारण वैद्युत विभव, वी टू बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन पी बी, पी बी यहाँ पर V2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे अंडर रूट, ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ये गलती नहीं करेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है इसमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिख देंगे, एक क्वेश्चन टू हो जाएगी। और इसके बाद लिखेंगे दोनों समीकरण बन जाएंगी, अतः बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू V1 V2 की जो आप ऊपर निकाल चुके हो, V बराबर V वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये रूट, प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये माइनस लगा रहने देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देन वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं बट प्लस और माइनस, इसलिए जीरो, तो वी इक्वल टू जीरो। इससे ये निकलता है निष्कर्ष कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। अगला, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, एक नई डिफिनीशन अगले चैप्टर की मैं आपको बता रहा हूँ। वैद्युत फ्लक्स और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो डिफिनीशन बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो पहले चाहे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा कर लें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और इसका मान जूल में कितना होता है, ये भी पूछा जाता है बोर्ड में बहुत। किसी
इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर एक्सीलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को अपने में संचित करता है, गेन करता है या अर्जित करता है, उसे हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, बड़ा मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, इसलिए जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर परिभाषा कोई पूछता है आपसे, तो आप क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन करने के लिए आप कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाए, एक्सीलरेट किया जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और इसका मान जूल में कितना होता है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर एक गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये हमको पता है, ये एक से मल्टीप्लाई करेंगे इतने जूल मान होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है। दूसरी डेफिनेशन आती है वैद्युत फ्लक्स। आपने हाई स्कूल में वैद्युत क्षेत्र पढ़ा, वह चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा होगा। इंटर में भी चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे मैग्नेट के चैप्टर में आगे, लेकिन वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र चल रहा है इसलिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को, वैसे चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखते हैं लेकिन जब ई लिख देते हैं तो ये वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करने लगता है। यहाँ पर ई और ये तीर लगा देते हैं, एरो, डेल्टा ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के तल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में तल के लंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्षेत्रफल है, ये कोण है और ये वैद्युत फ्लक्स है। फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ा आपने, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन मीटर इंटू मीटर दो बार लिख सकते हैं प्रति कूलाम। एक नया मात्रक इसका निकल के आ रहा है, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं और ये कूलाम है और ये मीटर है। न्यूटन मीटर को जूल कह सकते हैं, इसका मात्रक कूलाम है, ये मीटर लिखा हुआ है, तो जूल प्रति कूलाम मींस वोल्ट भी आपने लिखा था, तो फाई ई बराबर इसको हम वोल्ट लिख सकते हैं और इसका मात्रक मीटर, तो वोल्ट मीटर। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और इसकी बीमा निकालना है तो यहीं से बता दें, बीमा निकालना होगा तो इस स्टेप से लीजिए, आसान हो जाएगा। ये तो मात्रक एक होता है वोल्ट मीटर, अदिश राशि है, अब इसको यहां पर हम फाई ई बराबर जूल मीटर प्रति कूलम्ब, ये आपने अभी मात्रक लिखा है, जूल की बीमा लिख दीजिए, एम एल टू टी माइनस टू, आवेश की ए टी और इसकी एल, क्यों मीटर एल होता है कूलम, आवेश क्यू बराबर आई टी आप जानते हैं, इसको हम एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। यहाँ पर एम एल पावर थ्री हो जाएगा,
टी एक ऊपर जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा ये, और ए माइनस वन, ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकल के आ जाती है। इस तरह से हम वैद्युत फ्लक्स क्या है, क्या फार्मूला होता है, अदिश राशि होती है, इसकी बीमा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके मात्रक क्या क्या हैं, आपको इसमें हमने जानकारी दी। और एक डिफिनीशन और है, गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, इसके लिए किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित कुल आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी फार्मूले से मैं कह रहा हूं, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के केंद्र पर जो उपस्थित आवेश है उसका एक बटे के एप्सिलॉन नॉट भी लिख देते हैं, क्योंकि के परावैद्युतांक माध्यम का कहा जाता है, वन अपॉन के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये इसका गॉस थ्योरम का फार्मूला होता है। ये डिफिनीशन है, ये फार्मूला है। कभी कभी बोर्ड में ये भी इस तरह पूछता है कि गॉस थ्योरम का गणितीय रूप क्या होता है, तो गॉस थ्योरम का गणितीय रूप लिखने के लिए फाई ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, क्यू उस गोलीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के माध्यम का परावैद्युतांक है। इस तरह से ये गॉस प्रमेय क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स हमने इस वीडियो में पढ़ाए हैं बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनका मेरे प्रिय विद्यार्थियों लाभ उठाएं, और समय का पालन करते हुए अगली वीडियो में हम आपके लिए सिलसिले कराएंगे। धन्यवाद।